केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है। अश्वनी वैष्णव ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को देखा और अधिकारियों से जानकारी हासिल की। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार देश के 1300 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प कर रही है। इसी के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी 500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने ग्वालियर शिवपुर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर कहा कि ग्वालियर से सुमावली तक 30 किलोमीटर का ब्रॉडगेज ट्रैक बनकर तैयार है और इस पर जल्द ही सिक्योरिटी इंस्पेक्शन किया जाएगा, जिसके बाद उस पर ट्रेनों के संचालन की योजना बनेगी। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है ग्वालियर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की। आप सब जानते हैं अमृत भारत स्टेशन किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम हाथ में लिया है। उसी कड़ी में ग्वालियर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, हेरिटेज स्टेशन है। ग्वालियर की हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर डिज़ाइन किया गया है। उस डिज़ाइन के हिसाब से काम आरंभ हो गया है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आज मैंने डिटेल में रिव्यू किया है और जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथ सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अच्छी प्रोग्रेस है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब करीब 400 500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है ये टोटल।